स्वागत है आप सभी का फॉरेन तड़का में। मैं हूं तनुजा। आज हम बनाएंगे जापनीज हॉट पॉट सूप। इस रेसिपी को मैंने इंडियन वर्जन में रखा है। हमारी सब्सक्राइबर श्वेता ने इस रेसिपी के लिए रिक्वेस्ट किया था, तो रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऐड करेंगे 1 से 2 चम्मच सेसमे ऑयल। कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ऑयल हीट होने पर हम ऐड करेंगे 1 चम्मच चॉप किया हुआ गार्लिक। इसे हम सौते करेंगे जब तक गार्लिक है थोड़ा सा एरोमेटिक नहीं हो जाता। जैसे ही गार्लिक थोड़ा सा एरोमेटिक हो जाएगा तभी हम ऐड करेंगे ग्रीन ऑनियन। इसे भी हम सौते करेंगे। जैसे ही ऑनियन थोड़ा सा रेडी हो जाएगा तभी हम ऐड करेंगे मशरूम। मशरूम को भी हमें सौते करना है जब तक मशरूम से है वाटर रिलीज नहीं हो जाता और वो वाटर पूरी तरह से ड्राई नहीं हो जाता। इसके लिए 4 से 5 मिनट का टाइम लग सकता है। ज़्यादातर जापनीज हॉटपॉट डिशेस में वेजेस को एक साथ डाला जाता है, लेकिन इस रेसिपी में हम थोड़े से चेंजेस कर रहे हैं। इसको हम सौते करेंगे। सौते करने के बाद वेजेस ऐड करके फिर से हम उनको सौते करेंगे लाइक इंडियन कुकिंग, तो उससे फ्लेवर है काफ़ी इन्हांस होता है और एक अलग ही टेस्ट आता है। 2 चॉप्ड की हुई ग्रीन चिली ऐड करेंगे। ये बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है लेकिन एक थोड़ा सा हिंट देगी सूप में, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हो या फिर कंटिन्यू कर सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा स्वादानुसार नमक डालेंगे और स्वादानुसार सोया सॉस। यहाँ पे वेजेस हैं मैंने मेरे अकॉर्डिंग ऐड किए हैं, आप आपके चॉइस के अकॉर्डिंग वेजेस को ऐड कर सकते हो। सॉस और नमक का इस्तेमाल आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कीजिएगा। सोया सॉस में भी नमक होता है तो दोनों को अच्छी तरह से बैलेंस कीजिएगा और इसे कंटिन्यूसली हम स्टीर फ्राई करेंगे 30 सेकंड के लिए। जैसे ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तभी हम 2 कप पानी ऐड करेंगे। अभी आप इसमें वेजिटेबल स्टॉक दाशी स्टॉक भी ऐड कर सकते हो जापनीज वर्जन के लिए, लेकिन यहाँ पे मैंने स्किप किया है क्योंकि मैं इसको इंडियन वर्जन में ही रखना चाहती थी। और इसे हम कुक करेंगे 7 से 8 मिनट तक, जब तक ये सारी वेजेज हैं वो थोड़ी सी टेंडर और सॉफ्ट नहीं हो जाती। तो पोटैटो को हम चेक करेंगे, अभी ये रेडी हो चुका है। इसके बाद हम कॉर्नस्टार्च स्लरी ऐड करेंगे। कॉर्नस्टार्च ऐड करने के बाद हम इसे कंटिन्यूसली स्टर करेंगे और मिक्स करेंगे। जब ये रेडी हो जाएगा उसके बाद कोकोनट मिल्क या फिर फ्रेश मिल्क क्रीम का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। इस स्टेज से सूप में थोड़ा सा एक क्रीमी टेक्सचर आएगा और इससे फ्लेवर भी काफ़ी इन्हांस होगा। इसके पहले भी मैंने बहुत बार इस डिश को बनाया है। इसे अच्छी तरह से मिलाना है और ये लो फ्लेम पे आपको कंटिन्यूसली स्टर करना है। ये अभी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। एंड में हम ऐड करेंगे स्पिनच। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, एक बार मिक्स करेंगे 1 मिनट के बाद ये रेडी हो जाएगा और तुरंत हम इसे सर्व करेंगे। इस सूप को आपको गर्मा गर्म सर्व करना है। विंटर के सीज़न में परफेक्ट डिश है, आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेशन में मुझे बताइएगा आपके फीडबैक्स। रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।